ये सब यूट्यूब पे लाइव शो करते हैं हमारा जो डिवीजन तो भी अभी लगता है यूट्यूब लाइव कर रहा है राजेश कुमार लाभियान जी इधर देखिए ये सब कर रहे हैं तीनों एसएससी सिग्नल है Thank you, Senior Dinko Sir. Vivek Ji, यहाँ आए हुए ब्रांच ऑफिसर और सबसे ज्यादा आज के जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट भागीदार आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है. आज 22 लोग कार्यनिवृत्त हो रहे हैं. जैसे सीनियर डीजीओ साहब ने कहा कि दूसरी पारी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद पहली पारी को अच्छे से खेलने के लिए. आप सब लोग 30-30, 35-35 और कुछ उसपे 40 साल तक के अपना कार्यभार आप लोग निकाल के हटे हैं. और आज हम देख रहे हैं कि आपके साथ आपकी फैमिली, जो कार्य आप लोगों ने किया है उसमें अकेले आपने ही नहीं किया, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके फैमिलीज का है. स्पेशली जब हम देखते हैं जहाँ लेडीज है, बिना अपने घर वालों की सपोर्ट के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, फैमिलीज की भी उठाई, आई एम टॉकिंग फॉर द लेडीज, तो ये बहुत बढ़िया आप लोगों का. इसके लिए रेलवे की तरफ से, मंडल की तरफ से और मेरे साथ के सारे के सारे अफसर लोग जो है उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया. हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों के जो भी यूनिक कार्ड है या पोस्ट रिटायरमेंट पासिस वगैरह है वो आप लोग आज ही अपना करवा के जाइए, ताकि आपको बाद में आके तकलीफ नहीं उठानी पड़े. आज अपना आप करवा के जाए, अपनी जो भी आपके सेटलमेंट वाले ड्यूज वगैरह हैं वो आप देख लें. हालांकि शायद आप लोगों ने पहले ही इनको दिखा भी दिया होगा, और अगर कुछ इधर उधर होता भी है तो हम लोग सब यहाँ हैं. उसमें आप लोगों से जो एक एडवाइस या अनुरोध जो भी करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें. क्या होता है कि रेलवे किसी को आराम करने देता नहीं, कर्मचारी हो अधिकारी हो वो 24/7 चलता ही रहता है. फिर एक दिन आता है कि पहली पारी हम खेल के पवेलियन में आए, दूसरी पारी के लिए तैयार है, लेकिन वो जो बीच में गैप आता है वो सडनली लगता है कि बड़ा खाली खाली, कि अब तक तो सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, एकदम से सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है. ऐसा है नहीं, इस समय पे आपके जो अपने लिए हमेशा हम लोग अपने आप को सबसे पीछे रख देते हैं, उन चीजों पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य का अदरवाइज. और अब तो जहां जहां की कॉलोनीज वगैरह या आस पास आप लोग देखे, हेल्थ वगैरह के जो चेकअप्स वगैरह है वो भी आप लोग नियत रूप से करवाएं. आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपनी निधि को अपने साथ रखें. जो सीनियर डीपीओ साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, क्योंकि क्या होता है कि अब लगता है कि अच्छा हमें क्या जरूरत है. देखिए ऐसा है, अभी वो जो पारी हम दूसरी पारी कह रहे हैं वो सही में दूसरी पारी है, क्योंकि आज के दिन में जो औसत आयु है वो 80 वर्ष की है, यानी 20 साल और है. तो वो 20 साल के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, अपना सेहत के हिसाब से भी, यानी फिजिकली भी डिपेंडेंट नहीं हो, इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट नहीं हो, तो वो चीज ध्यान रखने के लिए अपने हाथ में अपने लिए कुछ रखिएगा. जो चीजें आपने नहीं की है, आपका तो SBF का बड़ा अच्छा सा सिस्टम है, इवन रिटायर्ड लोगों के लिए भी शायद आप कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं करते तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है कि आपस में भी आप ग्रुप वगैरह के साथ निकले, थोड़े भ्रमण पे निकले. अभी आपने इट्स अ वेल डिजर्व रेस्ट, एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर लाइव्स एंड योर सर्विस टू रेलवे. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों के लिए एक अनुभव पोर्टल भी गवर्नमेंट ने बनाया है, आप लोग चाहें तो लेके अपना अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं. बाकी फिर मैं कहूंगा, हम लोग हमेशा आपके लिए हैं, आप हमारे सम्मानीय हैं, बुजुर्ग हैं, आपको जब कभी दिक्कत लगे आप हमसे बात कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं,
कभी किसी को लगी कि कुछ नहीं हुआ है या आपके किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग सेफ्टी वाले हैं तो हम लोगों को सलाह भी दीजिए, या कुछ आप में डीआर के कार्रवाई करते हैं तो वो लोग आए हमारे पास, हम लोगों को बहुत जरूरत है नए बच्चों को सिखाने की, तो इस सबके लिए आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद। हम मैम से अनुरोध करेंगे एक एक आदमी का नाम पढ़े ठीक हो सर, और मैम के हाथ से सब बहुत बढ़िया आएगा ऐसी बना लेना। अच्छा ताली बजाइए अपने साथी को। शिव कुमार जी ठाकुर दास तबल वाले अधीक्षक पीलीभीत। ये कहाँ शिव कुमार जी चंद्र प्रकाश पटेल जी शिव कुमार जी पटेल जी अर्जुन कुमार मिश्रा जी अरे सामने मैम गोरी सिंह आज आइए देखिए सामने गोरी सिंह जी आइए गोरी सिंह जी आइए राजेश कुमार ईश्वर दयाल वर्मा जी कार्यालय सहायक समय लाइन हारून जी मुख्य अधिक डीजल अधिक बल्दी सिटी जगत सिंह जी प्रेम सिंह कराजी समाधि रामनगर धन्यवाद आप सभी लोगों को। पेमेंट में भैया कोई गड़बड़ी हो या कोई किसी को लग रहा हो कि हमें क्या पेमेंट हुआ है तो वो बात अपनी कह सकता है यहाँ पर या बात ही बता सकता है। तो रेलवे तो जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी चलती रहती है।